नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोला एजुकेशन पॉइंट पर। तो साथियों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि उत्तराखंड SSC के अंतर्गत जो भर्ती निकली है, ग्रेजुएशन लेवल की ग्रुप सी की जो भर्ती निकली है, जिसकी 229 पोस्टें हैं, उसका फॉर्म आप लोग ऑनलाइन किस तरीके से कैसे भरेंगे। 23/10 से इसके ऑनलाइन होना प्रारंभ हो गए हैं और 23/11/2023 इसकी लास्ट डेट है। तो आप लोगों को फॉर्म भरने के लिए इसकी जो ऑफिशियल साइट है, इस साइट पर आना होगा ssc.uk.gov.in। जब इस वाली साइट पर आप लोग आएंगे तो इस साइट पर आने के बाद आप लोगों को स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आप लोगों को आना होगा। जब हम नीचे की तरफ आएंगे आप तब देखेंगे समूह गा के अंतर्गत विभिन्न विभागों में स्नातक स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन हेतु क्लिक करें। इस वाले ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। जब इस वाले ऑप्शन पर आप लोग क्लिक कर देंगे तो आप लोगों से सामने जो होगा इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन। इस वाले ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे समूह गा के अंतर्गत विभिन्न विभाग में स्नातक स्तरीय आता 2023 23 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट है, 23 नवंबर को उसके लास्ट हो रहे हैं। तो मैंने ये चीज पहले बता दी थी। अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे, अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस खुलकर आएगा। समूह दिखाई देगा, ग्रुप सी, विज्ञापन संख्या दिखाई देगी, व्यक्तिगत जानकारी, नीचे आप लोगों को आना होगा। नीचे आप लोग आएंगे तो सबसे पहले आप लोगों को अपना जो नाम होगा वो नाम भरना होगा। नाम भरने का मिडिल नेम, लास्ट नेम जो भी है वो लास्ट नंबर नेम भरना होगा। अगर नहीं है तो अभ्यर्थी का फर्स्ट नेम कंपलसरी है। उसके बाद फादर्स नेम, पिताजी का नाम डालना होगा, माताजी का नाम डालना होगा। माताजी का नाम डालने के बाद लिंग आप लोगों को चूज करना होगा। लिंग चूज करने के बाद वैवाहिक स्थिति चूज करनी होगी। वैवाहिक स्थिति चूज करने के बाद नेशनलिटी, इंडियन है या अदर है, तो यहाँ पर चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद आधार कार्ड नंबर जो होगा वो आप लोगों को आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डालना होगा। आधार कार्ड नंबर डालने नीचे आप आएंगे स्थायी निवास प्रमाण पत्र। तो मैं थोड़ा सा इस पेज को जूम कर लेता हूँ जिससे आप लोग सही तरीके से देख सकें। तो पहला वाला हुआ है स्थायी निवास, उत्तराखंड निवासी। आप उत्तराखंड के निवासी हैं तो यस पर टिक कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। नो करने का ये देखिए मैंने आपको बताया, उत्तराखंड आदिवासी, अगर आप उत्तराखंड के निवासी हैं तो यस पर टिक कर देंगे, नहीं तो नो पर टिक कर देंगे। उसका दिखाया आवश्यक पात्रता। यहाँ पर जो पात्रता है वो पात्रता आप लोगों को पढ़ लेनी है। पढ़ने के बाद अगर आप लोग उसके पात्र हैं तो उसमें यस करना है, नहीं तो नो करना है। तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा तो इसीलिए मैं इस पेज को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये पेज जो है मैंने इस तरीके से जूम कर लिया है, आप देख सकते हैं आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। क्या आपका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी जिला सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत है? अगर है तो यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। क्या आप किसी सरकारी सेवा में कार्यरत हैं? हैं तो यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। उसका था क्या आपने उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से हाई स्कूल या इंटरमीडिएट किया है? तो उस पर कर देंगे यस, अगर नहीं किया तो नो कर देंगे। उसका नेक्स्ट ऑप्शन है क्या आप या आपके माता पिता, पत्नी उत्तराखंड राज्य में सेवारत का राज्य सरकार केंद्र संगठन केंद्र लोग इसके अगर आप पात्र हैं तो इस पर यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। नो करना प्रीफेयर्ड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, हैव यू सर्व्ड इन द ट्रेडिशनली आर्मी फॉर ए माइनर पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, मतलब अगर 2 साल तक आप लोगों ने आर्मी में सेवा की है तो आप इस पर यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। नो करना डू यू पोसेस नेशनल कैंडिडेट ग्रुप कैंडिडेट कोड बी सर्टिफिकेट, मतलब आप लोगों के पास NCC का बी सर्टिफिकेट है तो यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। नो करने अगर आप लोगों के पास NCC का सी सर्टिफिकेट है तो यस कर देंगे उस वाले ऑप्शन पर, नहीं तो नो कर देंगे। नो करने स्क्रॉल करते नीचे की तरफ आएंगे, मैंने आपको बताया सी वाले पर अगर पात्र हैं तो यस कर देंगे, अगर आपके पास नहीं है तो नो कर देंगे। नो करने इंटर एग्जामिनेशन सेंटर, तो आप लोग एग्जामिनेशन सेंटर कौन सा चाहते हैं, कहां पर चाहते हैं वो चूज कर लेंगे। आपके अनुसार जो भी सुटेबल हो वो चूज कर लेंगे, पहला चूज कर लेंगे, उसका दूसरा सेंटर आप लोगों को चूज करना होगा, मतलब दो एग्जामिनेशन सेंटर जो होंगे वो चूज करने होंगे कहां पर आप लोग चाहते हैं कौन से जिले में, तो यहाँ से चूज कर लेना। चूज करने नेक्स्ट ऑप्शन है वेदर डिबार्ड ए और ब्लैक लिस्टेड फॉर एग्जामिनेशन सिलेक्शन हेल्ड बाई UPSC, मतलब इसके द्वारा अगर आप ब्लैक लिस्टेड किए गए हैं तो यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। इन तीनों वाले जो ऑप्शन है, लास्ट के ये ऑप्शन है, इन दोनों पर ही नो कर देंगे। नो करने याद श्रेणी, आपकी श्रेणी कौन सी है, OBC से आते हैं, ST से आते हैं, ST से आते हैं, जिस भी कैटेगरी से आते हैं वो चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है सर्टिफिकेट अथॉरिटी, मतलब आपकी जो जाति है वो किसने जारी की है वो यहाँ पर डालना होगा। उसका किस डेट में आपका इशू हुआ था और सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा। और यहाँ पर लिखा है
किस जिले से आपका जो डोमिसाइल है वो, सॉरी जाति प्रमाण पत्र है वो जारी हुआ था, वो यहाँ चूज करना होगा। वैलिड, अब कब तक आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो वैलिड है वो चूज करना होगा। चूज करने के बाद सब कैटेगरी के अंतर्गत अगर आप कुछ ही कैटेगरी के अंदर आते हैं सब कैटेगरी में, तो आप इस पर यस टिक कर देंगे, नहीं तो नॉन वाले ऑप्शन पर आप लोग क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। डेट ऑफ बर्थ डालने आप देखेंगे आयु 1 जुलाई 2023 के अनुसार अपने आप यहाँ पर लिखकर आ जाएगी। मैंने बताया यहाँ पर जन्मतिथि जब आप डालेंगे तो आप देखेंगे 22 साल 3 महीने और 22 दिन हो गए हैं। यहाँ पर ईमेल आईडी आप लोगों को डालनी होगी, ईमेल आईडी डालें, मोबाइल नंबर डालना होगा, और मोबाइल वैकल्पिक मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। उसका आप लोगों को वर्तमान पता भरना होगा लाइन 1 में, लाइन 2 में। उसका राज्य चूज करना होगा, जिला चूज करना होगा, सिटी शहर कस्बा गांव पोस्ट ऑफिस डालना होगा, पिन कोड डालना होगा। डालने बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो सेम एड्रेस उस वाले ऑप्शन पर टिक कर देंगे। मैंने आपको बताया इस तरह पता, अगर आपका सेम है तो मैंने ये घेरे में दिखा रहा हूँ, इस वाले ऑप्शन पर आप टिक कर देंगे तो आपको दोनों पते जो हो जाएंगे वो सेम हो जाएंगे। उसका स्क्रॉल करते नीचे की तरफ आना होगा, नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को अपने लॉगिन के लिए पासवर्ड बनाना होगा। पासवर्ड बनाने के लिए आप लोगों को एक स्मॉल लेटर, एक कैपिटल लेटर और न्यूमेरिक और स्पेशल करेक्टर ये होने चाहिए, कम से कम 6 अंकों का होना चाहिए। पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड दोनों सेम होने चाहिए। वो पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर कैप्चा जो दिखाई दे रहा है कैप्चा फिलअप कर लेंगे। कैप्चा फिलअप करने के बाद नीचे आप आएंगे स्क्रॉल करते हुए तो जो डिक्लेरेशन दिखाई दे रही है उस पर टिक कर देंगे। टिक करने सबमिट वाले ऑप्शन पर आप लोग क्लिक कर देंगे। जब सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका कंप्लीट हो चुका है, पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है, रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस डिटेल और तीसरी अपलोड इमेज, चौथा इमेज पेमेंट, पांचवा है प्रिंट एप्लीकेशन। ये पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है, 4 स्टेप जो है वो कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर ऐड क्वालिफिकेशन के ऑप्शन पर आप आएंगे नीचे की तरफ, तो यहाँ पर इस तरीके से इंटरफेस आप लोगों के सामने दिखाई देगा। तो जो भी क्वालिफिकेशन आपकी हाई स्कूल है, 12वां है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन, वो चूज कर लेंगे। किस स्टेट से आपने किया है वो चूज करेंगे, डिस्ट्रिक्ट कौन सी थी वो चूज करेंगे, ईयर ऑफ पासिंग किस साल आपने पास किया था वो चूज करेंगे। चूज करने बाद बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नाम आपको लिखना होगा, आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी कौन सी थी, ऑप्टेन मार्क कितने नंबर आपके आए थे, और मैक्सिमम आप पूर्णांक आप लोगों का जो था वो कितने का था, ऑप्टेन परसेंटेज मतलब आप लोगों की जो परसेंटेज थी वो कितनी बनी थी, वो सारी डिटेल भरनी होगी। ऐसी हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जितनी भी क्वालिफिकेशन आपकी है वो यहाँ सारी डिटेल इस तरीके से भर देंगे। जो तरीका मैंने आपको बताया इस तरीके से भर देंगे। भरने का नीचे आएंगे, रिक्वायर्ड कंपलसरी सर्टिफिकेट डिप्लोमा फॉर सम पोस्ट, हैव यू पोस्ट ट्रिपल सी, अगर आपका ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट है तो आप यस कर देंगे, अगर नहीं है तो नो पर कर देंगे। हैव यू ऑब्टेन कंप्यूटर एप्लीकेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, अगर आपके पास ये कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट है तो उस पर यस कर देंगे, नहीं तो नो करेंगे। डू यू हैव यू ऑब्टेन मिनिमम 1 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर कोर्स, कंप्यूटर कोर्स में आपके पास 1 साल का अगर कोई सर्टिफिकेट है तो यस कर देंगे, नहीं तो नो करेंगे। चौथा नंबर हैव यू 2 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ रेफर्ड वर्क्स इन एनी गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट रिक्वायर्ड इंस्टीट्यूट, मतलब आपके पास किसी भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट के अंदर 2 साल का सर्टिफिकेट है तो यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। नो एलिजिबल पोस्ट आर, आप लोग जो है जो आप फॉर्म भर रहे हैं आप लोग किस पोस्ट के लिए पात्र हैं वो यहाँ पर पोस्ट वो सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने वाला आप लोग चाहें तो सारी पोस्टें यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने का नीचे की तरफ आप लोगों को आना होगा, तो नीचे की तरफ प्रोसेड टू इस पर क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे फोटो सिग्नेचर का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर आप लोगों को अपने जो होंगे वो अपलोड करने होंगे। फोटो और सिग्नेचर का साइज यहाँ पर नीचे दिया गया है और डायमेंशन साइज दी गई है, फोटो और सिग्नेचर किस तरीके से कैसे आप लोगों को अपने अपलोड करनी है। तो फोटो और सिग्नेचर यहां से फटाफट से अपलोड कर लेंगे, या इंस्ट्रक्शन फॉर फोटो अपलोड, इंस्ट्रक्शन फॉर सिग्नेचर अपलोड, अगर आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं और उसको तो उसका डिक्लेरेशन जो दिखाई दे रहा है इंस्ट्रक्शन वो आप देख सकते हैं, उस तरीके से आप लोगों को अपने फोटो जो और सिग्नेचर जो होंगे वो यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। फोटो सिग्नेचर अपलोड कर देंगे, इस तरीके से फोटो सिग्नेचर आप लोगों को दिखाई दे जाएंगे। दिखाई देना स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आओ, प्रोसीड टू स्टेप 3rd इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आएगा, पेमेंट वाला ऑप्शन आप लोगों के सामने आ चुका है। क्लिक टू प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, जब इस वाले ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों का जो पेज होगा ये पेमेंट वाले ऑप्शन पर चला जाएगा। जब पेमेंट वाले ऑप्शन पर आपको जाएगा तो आप लोग किस माध्यम से अपनी जो फीस है वो पे करना चाहते हैं वो माध्यम यहाँ आप लोग चूज कर लेंगे। क्लिक टू प्रोसीड,
इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इस तरह का इंटरफेस मैंने आप लोगों को बताया आएगा। यहाँ से आप जिस माध्यम से चाहें उस माध्यम से फीस पे कर सकेंगे। सबसे सरल जो तरीका रहेगा स्कैन क्यूआर वाला रहेगा। स्कैन क्यूआर पर क्लिक करेंगे, क्लिक कर देंगे तो आप लोगों के सामने एक क्यूआर जो होगा वो बनकर आ जाएगा। उससे आप लोग अपने किसी भी यूपीआई ऐप से फीस जो है वो पे कर सकते हैं। फीस पे करने के बाद आप लोग फीस जब पे कर देंगे, फीस पे करने आप लोग फाइनल प्रिंट जो है वो अपना ले सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बता दिया कि उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, मतलब UKSSC के अंतर्गत जो ग्रुप सी की भर्ती निकली है ग्रेजुएशन वालों के लिए, जिसके फॉर्म 23/10/2023 से स्टार्ट हो गए हैं और 23/11/2023 तक भरे जाएंगे, तो उसका फॉर्म आप लोग किस तरीके से कैसे भरेंगे मैंने पूरा यहाँ पर तरीका बता दिया है फीस तक। तो आप लोगों को अगर मेरे द्वारा बताया गया ये तरीका पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को शेयर भी जरूर करना। बाकी अगर किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है, तो आप लोग कमेंट्स में मुझसे जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूंगा एक नई ऑनलाइन फॉर्म संबंधित जानकारी के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।